हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके हराम टोपिया सॉन्ग का रिएक्शन, और इसको भी लिखा गया कि ये पिंडी एंथम है। हमने जबकि एक सॉन्ग सुना हुआ है कि पिंडी है सॉन्ग सुना था, और वो भी कमाल का सॉन्ग था, लाइक पिंडी है पिंडी है पिंडी है शहर पिंडी है। सो वो बहुत कमाल का था, एंड लाइक वो अभी तक चढ़ा हुआ मुंह पे, जबकि मैंने रिसेंटली देखा नहीं है, फिर भी वो अभी तक दिमाग में याद है। एंड उसमें बहुत सारे सिंगर्स जो थे वो रैपर्स थे, एक साथ आए थे, उन्होंने वो कमाल कर दिया था। एंड उसमें मेरे को याद है काफी सारे कमेंट्स थे, लाइक हमने कहा था कि ये ब्रिज के नीचे का जो शूट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सेट पे किया हुआ है, लेकिन लोगों ने बताया नहीं, हमारे यहाँ पे वो ब्रिज के वहाँ वो जगह ही ऐसी बना रखी है उन्होंने इतनी सुंदर कि वो सेट जैसा लगता है। सो लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी थी वो वीडियो देख के। एंड लोगों ने बताया था वो पिंडी एंथम है, तो किसी ने उसी की वीडियो के अंदर कमेंट करके बताया था कि ये एक्चुअल पिंडी एंथम है या फिर ये एक एंथम है, ये भी आप कह सकते हो उसका कॉम्पिटिशन है। सो देखते हैं क्या ये पिंडी है जैसा तगड़ा होता है या फिर कैसा होता है, ये भी रावलपिंडी के बारे में। सो देखते हैं फिर। पर हमने पहले देखा था ना, तो बेसिकली उसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें दिखा रखी थी कि ऐसे बेसिकली स्ट्रीट दिखा रखा था, गली से उठकर आए हैं लोग। और मुझे ऐसे लगता है इसमें भी सेम यही चीज़ दिखाई होगी। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में ना ज़्यादा चीज़ें, मतलब ज़्यादा जो सिंगर्स है वो, मतलब कहते हैं ना, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, नॉर्मल ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुए, लेकिन तब भी वो काफ़ी ऐसे डाउन टू अर्थ रहते, और वही चीज़ें दिखा, बेसिकली कह सकते हैं ना स्ट्रीट सिंगर बोल सकते हैं, वैसे से उठकर आए हुए हैं वो। और मुझे ऐसे लगता है इनका जो कंसेप्ट होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे पिंडी है वो हमने जब सुना था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और उसमें कोई एफर्ट नहीं करे थे, बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मुझे उस चीज़ उसकी वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो सेम मैं इस सॉन्ग से यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद इसमें भी यही दिखाया होगा, वो कहते हैं ना और की स्ट्रीट वो घर, तो आई होप वही चीजें दिखाया होगा, वैसी जगह से उठकर आए हुए वो गाना गा रहे थे यार, वो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल चीज है। और मैं इसको सुनने के लिए कहीं ना कहीं एक्साइटेड, और मैं ये देखना चाहती हूँ क्या लिरिक्स दोनों गानों के सेम थे, कि कैसे हट कर थे। और मुझको एक चीज कंफ्यूजन है, लाइक ये गाना पहले आ रखा है कि वो गाना आ रखा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, तो फिर सुनते हैं गाना कैसे होने वाला है। और हर एक जगह का ना अपना कुछ ना कुछ होता है, जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से रावलपिंडी का भी ऐसा कुछ होगा, बिकॉज जैसे आपने सुना होगा मुंबई का नाला सुपारा है, वहां से माना जाता है कि बहुत बड़े बड़े डांसर्स आते हैं, जबकि वो एक छोटी सी जगह है, पर वहाँ पे स्ट्रीट डांसिंग और वो सब चीजें सबसे बेस्ट होती है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है और क्या चीज फेमस है, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या इस मुल्क के मामला हैं कि कौम को कह रहे हैं कि हमारा 20 करोड़ लोगों का पानी रोका जा रहा है, हम कोई बनाना स्टेट है, किसी का बाप हमारा पानी रोक सकता है जी? उसमें इतनी अहलियत है, किसी का बाप कोई कुर्ता पजामा सेम वाइब्स दे रहा मुझे, इतनी अहलियत है। किसी केस में जो अगर अंदर भी कुछ चला जाए, लोडे सारे शेर है खिलाफ नहीं कपाई देते। संगत वाली साइड से फूलों के की रिपोर्ट है, जान देने वाले संगी मौत से बेखौफ है, कसम से आजकल आई फील लाइक बोहेमिया, स्ट्रीट से गुजरता सैल्यूट करते लोग हैं, जितना खराब सेट हो ही जाता मूड भी, शाम को जब टेंट जाके मारते हम मूड भी। मजे की बात एक आपको बताता चलूं, पहली बची अपनी मैंने वहीं से थी ढूंढ, रोला जाए जो भी हो, रेंच देते फिर भी सुला जाए हो, क्यों मारी ये पहचान, लेकिन क्या आपको याद रहेगा, बात बात पे बोलते हम हमसे आगे कोई नहीं, विकेट लगाए जानी जगह फिर भी हुई नहीं, सारी बातें छोड़ो तो मैं देता हूँ एक मशवरा, पिंडी वालों के साथ तुम फसाना कभी सोई नहीं। ओ नाल दे आ मुंडे राम टोपियां कराउण जेड़ा करदा आड़ी, ओदे लंग विचों जान तैनू दसा कि तू एने यारा करदे बलोंग, तू तां होणा सुणिया, पिंडी पिंडी मेरी जान, पिंडी पिंडी मेरी जान, शान थोड़ी वखरी, पिंडी पिंडी मेरी जान, एवें ना तू टकरी वांग मोहम्मद, बहुत ज्यादा नारे वेखदे आई आ जोंदी सख्ती।
पहले भी बताया पिंडी वालियों से बच के प्यार के नाम पे लगाती है ये चस्के। ताजी ताजी खबर एक आपको बताता चलूं, कुछ दिनों से मुझे भी लगा रही थी एक मस्के। क्या पकड़ लिए मैंने दोनों उसके बड़े बड़े, झूठ की बात हो रही यहाँ थोड़ी सी तो शर्म करे। उसका और मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, वो है कॉफी प्लैनेट वाली, मैं हूँ पप्पू सोडे वाला। डबल फेरी दे सवाल दसी एक दूजे दी यकीन ते देंदे असी शाबाशी नजर आवे चोली ड्राइवर ओनू असी कहंदे अपनी साइड तक आंदे ओए। तेरे रोले हम ही है जानते, सब कुछ है हम ही, हम किसी को नहीं मानते। जो भी हमारे शहर के बारे में पकेगा बाबा जी सीधी सी बात जाएगा वो जान से। ऐसा है मेरा पिंडी और पिंडी में रहने वाले खबरदार, जो पिंडी पे कोई बुरी नजर डाले हर एक बंदा देता अपने शहर के पीछे जान के। पिंडी वाले सारे पिंडी के हैं रखवाले। बहुत शानदार सॉन्ग है, बहुत जल्दी खत्म हो गया, थोड़ा और होता है। कमाल कर दिया पिंडी वालों, कमाल कर दिया लिटरली एक्चुअली। और बहुत जबरदस्त सॉन्ग था यार, क्या वाइब थी इस पूरे सॉन्ग की। एंड लाइक तीन वाइब थी, पहले स्टार्ट की वाइब कैसे लाइक कोई ऐसे आवाज लगा रहा है और बता रहा है कि पिंडी वाले ऐसे होते हैं ये, और वहाँ से फिर उनका रैप चालू होता है फदी का, और फिर उसके बाद कहना कि वो जो कूल वाइब आती है उनकी, वो चिल वाइब थोड़ा सा ऑटो ट्यून के साथ मिक्स किया गया, वो बहुत शानदार लगता है पूरा का पूरा सॉन्ग ही। मेरा फेवरेट वो थर्ड पैराग्राफ था, थर्ड पैराग्राफ में जब वो लड़की के साथ अपनी पूरी बातें डिस्क्राइब कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से रावलपिंडी के जो लड़के हैं वो थोड़े से कह सकते हैं, थोड़े कह सकते हैं खुले हैं और थोड़े स्ट्रीट माइंडेड वैसे काइंड ऑफ लड़के हैं, एंड लड़कियां थोड़ी सी कह सकते हैं पॉश लड़कियां टाइप है, तो वो कहीं ना कहीं बता देंगे। रावलपिंडी के लड़के बहुत सही है, पर लड़कियों से आप मत भिड़ जाना क्योंकि वो आपको भाव नहीं देंगी, वो अपने कॉफी प्लैनेट में जाती है और हम तो यहाँ पे बंटे सोडे वाले के यहाँ पे जाते हैं। एंड लाइक वो बिल्कुल गाँव वाले, मतलब गाँव नहीं तो कैसे स्ट्रीट बॉयज वाली वो पूरी फील दे रहा था, वो बहुत मजा लगता उनके जो पूरे लिरिक्स थे ना बीच में फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में, तो एक्चुअली बोलूं तो कुछ ज्यादा फास्ट है तो मेरे को एक दो बार तो समझ नहीं आया, पर हाँ जब मैं फोकस कर रहा था पूरा ध्यान दे रहा था बहुत मजा आता है। एंड लाइक एक्चुअली उनकी वो पूरी वो पिंडीनेस झलक रही थी, जैसे पिंडी आए में हमें दिख रहा था ना, सेम हमें यहाँ पे भी झलक रही थी पूरी। और मुझे सबसे अच्छी एक चीज लगी कि इन्होंने अगर पिंडी आए गाना गाया तो बेसिकली अपने पिंड को रिप्रेजेंट कर रहे, गाँव को रिप्रेजेंट कर रहे। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि लाइक कुछ इनका जो बेसिकली इनका बिल्कुल सिंपल थे, ये कुर्ता पजामा पहन रखा था, जैसे बेसिकली पिंड के लड़के होते हैं ना मैक्सिमम कुर्ता पजामा में, सेम वैसे ये कुर्ता पजामे में थी। ये करने के लिए लाइक ऑब्वियसली शर्ट्स और उसमें टी शर्ट और जीन्स में भी आए, पर मैक्सिमम पूरा गाना इनका कुर्ता पजामे में था, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगी ये गाना भी बहुत ही एफर्टलेसली गा रखा है, बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल प्रॉपर गली में शूट हो रखा है, उस सामने पीछे बच्चों का क्राउड था और वो ऐसे बाइक वगैरह में जा रहे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। और स्पेशली जो स्टार्टिंग में लड़का आया था ना, मुझे सीरियसली उसकी इतनी आवाज़ अच्छी लगी पर उतनी अच्छी नहीं लगी जितना वो पंजाबी लड़का है। लिटरली उसने तो ना गाने की पूरी ही कहते हैं ना एनर्जी चेंज कर दी थी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे उसकी आवाज़। और जैसे जैसे पहले गाना जब मैंने सुना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया ना मैं ऐसी थी कि मुझे और सुनना ये गाना बहुत ही ज़्यादा सुंदर गा रखा है। बस इसकी एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये मतलब स्मोकिंग से स्टार्ट किया ना, तो शायद अगर वो नहीं करते तो थोड़ा अलग अच्छा लगता। बाकी देखा जाए यंग स्टनर्स हो गए, ये हो गए, ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा कूल है और इनकी वाइब्स भी बहुत ही ज़्यादा लगे, मुझे बहुत बहुत अच्छा इनका गाना लगा। और हालांकि मैंने इनको पहली बार सुना तभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वही, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का रैप का सीन बहुत तगड़ा है अगर देखा जाए तो, कमाल के रैपर्स हैं यहाँ पे, इनका भी मैं पता लगा ये भी बहुत जबरदस्त रैप करते हैं, बहुत ज्यादा शानदार लगा। और कुछ लिरिक्स हो या और कोई ऐसी चीजें हो जो हमें आपको हमें दिखाने, तो आप हमें जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।